तो आपको हिंदी वाला की किताब दे दिया, इंग्लिश वाला नहीं है, इंग्लिश वाला सब जाएंगे तो हिंदी में भी आ जाएगा सब कुछ बताइए। देखिए किताब में क्वेश्चन देखिए, यह इम्पोर्टेंट सवाल है, तीन नंबर भी जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए और वी वन प्लस आयोटा बटा वन माइनस आयोटा का पावर ए बराबर वन। बोलिए सुनिए सवाल में क्या नहीं बोले, क्वेश्चन पर है फाइंड का अर्थ निकाले, स्मॉलेस्ट का अर्थ हुआ सबसे छोटा, पॉजिटिव का अर्थ हुआ धनात्मक, इंटीजर का अर्थ हुआ पूर्णांक का अर्थ हुआ एक का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात करें ताकि यह वन के बराबर हो। ठीक है, यानी कि सवाल का दूसरा सेंस क्या है कि एक का एक के जगह कौन सा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक मान आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया, तो एक का मान निकालना है, अब शर्त क्या लगा दिया, एक कैसा होना चाहिए, पहला शर्त है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, धनात्मक होना चाहिए, दूसरा क्या है इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक तो आप जरूर जानते हैं कौन कौन होता है, नेचुरल, ठीक है, एक दो तीन चार सात, ये सब क्या कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। बोले तो क्लियर हो गया कि हमको इसी में से किसी का तलाश करना है, तो समझिए सवाल हम बनाएंगे कैसे, तो ये हमको दिया गया है और एन का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे दिया गया है का अंग्रेजी क्या होगा, और अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कितना होता है आयोटा, सामने भी है तो आयोटा होगा उसका पावर कितना आ गया बराबर। तो अब एन के और रखना शुरू करते हैं, सवाल कर रहे कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है, एक से शुरू करते हैं, तो